नमस्कार साथियों, ये जवाहर नगर है और नो डीपीएन गोगा मेडी। साथियों, आपने सुना होगा पिछले दिनों जो ठाकुरे सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी है उनका जयपुर के उनके निवास स्थान पे मर्डर हो गया था और ताबड़तोड़ गोलियों से अचानक उनका मर्डर कर दिया गया। पूरी इंडिया, पूरा भारत जानता है, किसी से छुपा नहीं है कि कितना बड़ा मर्डर केस था और सुरक्षा में बहुत बड़ा सहन था। आज हम साथियों यहाँ पहुँचे हैं उनके निवास स्थान पे, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये बोर्ड लगा है इस पे, ठाकुर सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करणी सेना राजपूत करणी सेना श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना निवास स्थान इनका। ये तीर का इधर जो एरा है इसका, ये थोड़ी दूर पर यहाँ निवास स्थान है इनका, ठाकुर सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी का। अब इनके निवास स्थान पे समृति में यह मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। अनावरण तो हुआ नहीं है अभी, ये निर्माणाधीन है, ये पूरा का पूरा फ्लोट है। और ये इधर आपको दिखा देता हूँ, मैं कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि इधर दर्शकों को दिखाए कि ये एक लगा हुआ है, यहाँ पंपलेट लगा हुआ है, ये जो पोस्टर लगा हुआ है इस पोस्टर में ये लिखा हुआ है। और ये जो सुखदेव सिंह जी है इनकी समृति में इनके स्थल पर ठाकुर सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। यहाँ से दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो फ्लोट है उसमें ये इनकी समृति में ये मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। ये जो ठाकुर सुखदेव सिंह जी की समृति में यहाँ इनकी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो मैप दिखाया गया है, आप सोच सकते हो मैप में एक इंजीनियर का डिजाइन आपके सामने है। ये देखिए, ये डिजाइन है, यहाँ मूर्ति लगेगी, ये सुखदेव सिंह जी की, जो ये एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जब राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष बनाए गए थे सुखदेव सिंह जी को, उस समय की इमेज है, उस समय की फोटो है। और ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा नहीं, ये इनका डिजाइन किया हुआ है, इंजीनियर का डिजाइन किया हुआ है और इसका निर्माण वहाँ किया जा रहा है। ये कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ दिखाए, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो इंजीनियर ने तैयार किया है ये है। और सामने जो वाइट कलर के जो उधर मकान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इनके दादाजी, उनके भाई, चाचा, ताऊ यहाँ भी रहते हैं। गोगा मेडी में निवास स्थान था, जयपुर में उनका हमने छोड़ा था ना, वैसे पुणे में ठाकुर सुखदेव सिंह जी है, उनके भाई है, ब्रदर है, तो मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। और जो उनका ये जो समृति का स्थान है ना, वहीं पे हम लोग खड़े हैं, तो पूरा दृश्य भी दिखाएंगे, लेकिन पहले भाई साहब से, संपत साहब से मैं हम लोग बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा संपत सिंह गोगा मेडी। अच्छा, छोटा भाई हूँ मैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठाकुर सुखदेव सिंह जी है, तो इनका जो अंतिम संस्कार है वो सर किस स्थान पर किया गया था? ये जो स्मृति स्थल आप देख रहे हो, जो ये सामने जो ये जगह है, यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और नक्शा हमने तैयार करवाया है, लेकिन हमारे मस्तिष्क से हमने ये देखा भी, जहाँ पे दादा का अंतिम संस्कार हुआ है, या जो अस्थि विशेष है, जो पवित्र अस्थि है, उनका दर्शन है सालों साल उनके चाहने वाले करते रहे, चाहने वाले करते रहे। और एक उनकी देखिए, दर्शकों मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो अस्थि है वो हमेशा के लिए, वो जो उनका बलिदान और देश के लिए, समाज के लिए जो समर्पण है ना, वो देखने वाले व्यक्ति के हमेशा दिल और दिमाग में जीवित रहे। यहाँ दर्शन करने के लिए भी यहाँ उनकी लाई गई है। तो यहाँ मैं भाई साहब से पूरी डिटेल से बात करूँगा कि सर यहाँ कितना बड़ा परिवार है और भाई साहब के कैसे सपने थे, क्या आप पहले से ही ऐसे कोई सपने है भाई साहब के जिन्होंने कहा है कि मेरा ये होना चाहिए, क्या प्लान, यहाँ का क्या प्लान था भाई साहब का? भाई साहब का प्लान यही था, वैसे तो देखो खुद के लिए तो जीते ही नहीं थे, हमेशा सर्व समाज के लिए वो जिए थे, गरीब दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई करी। और बात रही धमकियों की, तो ऐसी चीज़ें उनके लिए बहुत जीरो लेवल की बातें हुआ करती थी। उनका एक ही मानना था कि हम उनके भाई थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोग इन चीज़ों को संभालो, परिवार को देखो, ये मान लो कि हमारे घर में कोई प्रोग्राम है तो हमें उनको बता के आना पड़ता था डायरी में, दादा अपने घर पर ये प्रोग्राम, यानी इतना समर्पित सर्व समाज के लिए वो अपना जीवन कर रहे थे, खुद के लिए उन्होंने। देखो आज आप यहाँ खड़े भी हो, बिल्कुल सर, कोई आपको बड़ा बंगला नहीं दिखाई देगा, नहीं कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखेगी, पीछे अफवाहें चली कि सुखदेव सिंह के पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, जीरो लेवल से उन्होंने शुरुआत करी, माँ भवानी का आशीर्वाद था और हर मजलूम इंसान की सेवा करी, वो ताकत उनके पास थी। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों मैं आपको बता देता हूँ कि हम जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ उनके सुखदेव सिंह जी है, उनका परिवार है, चाचा है, ताऊ है, उन्होंने अपने खुद के लिए, परिवार के लिए,
खुद के लिए कुछ नहीं किया, सर्व समाज के लिए किया। और सामाजिक कार्यों में जहाँ समाज का काम आ जाए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके साथ हमेशा के लिए खड़े रहे। और आज उनकी समृति में ये जो डिजाइन हम लोगों ने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया है ना, बहुत बड़ा ये निर्माण किया जा रहा है, उनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो ये पूरी चीज़ दिखाए कि उनकी अस्थियाँ वगैरह है वो भी यहाँ सजा के रखी हुई है, ताकि ये ऊपर से कवरअप हो जाएगा, ये निर्माण करने के बाद में ये कवरअप हो जाएगा। और इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये जो निर्माणाधीन है, तो यहाँ ये इतनी ऊंचाई पर लेके इसलिए आए कि सीधे सीधे उनके चाहने वाले, उनके श्रद्धालु भी मान सकते हैं कि उनके भगत बहुत है, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में बहुत भगत है। तो वो चाहने वाले ये देखे कि हमेशा के लिए उसके दिल में दिमाग में ये राजपूताना खून दौड़ता रहे कि एक बंदा खुद के लिए कुछ नहीं बना करके सर्व समाज के लिए राष्ट्रीय करणी सेना तक पहुंचना इस तबके से, इस ग्रामीण क्षेत्र से बहुत बड़ी बात है। और साथियों ये विडंबना की बात है कि जो जिसके ज्यादा मित्र होते हैं, जो घनिष्ठ होते हैं ना, वही घात करके जाता है। एक मुलाकात चल रही थी, अच्छे इंसान थे, और मुलाकात में अचानक घर पे आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां पूरे राजस्थान ने नहीं पूरे भारत ने, विश्व भर ने देखी थी। खूब राष्ट्रीय करणी सेना ने आंदोलन किया, फिर खैर वो चले गए। और उनको पीछे से संभालने वाले उनके परिवारजन, धन्यवाद देने चाहूंगा इन लोगों को कि उन्होंने जो किया वो उन्होंने तो समाज के लिए किया, लेकिन उनके लिए पीछे से ये भाई साहब, ये उनके परिवार, उनके दादाजी का नाम भी शायद जवाहर सिंह जी था ना, जवाहर सिंह जी, बहुत बड़ी संपत्ति है ये प्लॉट। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये दिखाए कि ये उनके प्लॉट थे, बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए, लेकिन ये नहीं है कि उनके पास करोड़ों रुपए थे। ये एक आरोप भी लगा था कि करोड़ों के रुपए है ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, अपने रहने के लिए जमीन है जायदाद, ये तो देखिए एक परिवार चलाने के लिए सब कुछ होता ही है। अब भाई साहब से दो चीजें मैं और जानना चाहूंगा कि भाई साहब अभी आपको क्या लगता है ऐसे कि दादा हमेशा के लिए जिंदा है? बिल्कुल अमर है। ये जो चीजें आप देख रहे हो ये हमारे दिमाग की चीजें नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12 दिनों में ही सौरगी हमने पोस्टरों में लगा दिया था, बिल्कुल, लेकिन हमारे ये दिमाग में आता है कि ये नाम हटा दिया जाए। और आप देख सकते हो कि हर जगह आपको सौरगी नहीं मिलेगा, अमर सही ठाकुर सुखदेव सिंह होगा मेरी नाम। बिल्कुल, ये तो जो राष्ट्रीय करणी सेना अब है वो जब भी शुरुआत करती है ना किसी भी सामाजिक कार्य की, या फिर सर्व समाज के लिए या राजपूताना समाज के लिए, तो वो सबसे पहले अमर सुखदेव सिंह जी का जयकारा लगा करके, जैसे तेजा का लगाते है ना तेजा का, वैसे ही सुखदेव जी, ठाकुर सुखदेव जी अमर रहे ऐसे नारे लगा करके, और राष्ट्रीय करणी सेना के एक एक सैनिक, एक एक सेवक इनको आराध्य रूप में पूज के और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीव है, ये बहुत बड़ी बात है। तभी ये सारी चीजें उन्होंने हमारे मस्तिष्क में डाली है। जो नक्शा आप ये सामने अभी आपने दिखाया था कैमरे में, ये चीजें बिल्कुल जो इंजीनियर ने बताई उससे हटके हमने हमारे दिमाग में आई कि ये जो अस्थियां हैं ये पवित्र अस्थियां हमेशा खुली रहे और सब रियलिटी में यहाँ देखें भी ये दादा का यहाँ संस्कार हुआ। अमरताओं की जो निशानी है वो हमेशा सबके चाहने वालों के सामने रहे, क्योंकि मूर्ति तो लगनी थी लेकिन मूर्ति मूर्ति होती है, लेकिन ये जो चीज थी ये हमेशा एक अच्छा संदेश देगी, एक अमरताओं का एक वो है। और आप भी आप देख रहे हो कि अमर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने भाई साहब को ही घोषित किया है, भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक वही है, और शिला भाई साहब वो राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष है, यानी उनका काम वो देखते हैं, साइन वो करते हैं, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अमर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने भाई साहब को बनाया। इसके अलावा हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का कोई नहीं, अभी तक वही है। बिल्कुल दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह से हम लोग ये दिखा रहे हैं, निर्माणाधीन कार्य दिखा रहे हैं, तो ये जगह कौन सी है? आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये जयपुर में हो रहा है निर्माण, भादरा में हो रहा है, गोगा मेड़ी में हो रहा है, या फिर किस स्थान पे हो रहा है? तो मैं जानना चाहूंगा, ठाकुर सुखदेव सिंह जी के छोटे भाई है भाई साहब से, मैं जानना चाहूंगा ये किस स्थान पे, किस लोकेशन पे निर्माण हो रहा है? ये अपना निवास स्थान है, ये आबादी नो डीपीएन गोगा मेड़ी चक नो डीपीएन बोलते हैं। और यहाँ आने के लिए अपने जो गोरख टीला का मंदिर है वहाँ से भरवाना के लिए जो रोड जाती है उसके मिड में अपना ये स्मृति स्थल है दादा का। यही परिवार, यही वो उन्होंने जन्म लिया, यहीं से संघर्ष शुरू किया। अकेले इंसान यहाँ जीरो लेवल से उठ के, जो बड़े जागीरदार नहीं थे, बड़े पैसे वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी हर किसी को जगाते हुए, मतलब हर मोमेंट को आगे बढ़ाया। देखिए दर्शकों, बातें करने के लिए बहुत है, मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी को कि जिस प्रकार से एक इंसान समाज के लिए, सर्व समाज के लिए अच्छा काम करके आगे निकल जाता है, लेकिन उसको अमरत्व प्रदान करने वाले उनकी पीछे की पीढ़ियाँ, उनके सेवक है, उनके अच्छे कार्यों की सराहना होगी ना, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो मैं राजस्थान की धराशें भी सुखदेव सिंह जी है, मैं भी इसी धराशें वीडियो बना रहा हूँ, और उनके
जो निर्माणाधीन कार्य है 1947 से उनका जो आवास है मूल जो ये तक बताया है जवाहर नगर 9DPN गोगा मीडिया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।